नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। जम्मू कश्मीर में डोडा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी महराज मलिक की जीत हुई। इस जीत के बाद अब महराज मलिक ने उमर अब्दुल्ला की सरकार में शामिल होने के साथ साथ शक्ति की भी इच्छा जाहिर की है। वो चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला की सरकार में उन्हें भी शक्ति मिले, यानी कि वो चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला की सरकार में उन्हें भी जिम्मेदारी दी जाए। शायद उनकी इच्छा मंत्री बनने की हो सकती है। और इसके साथ ही एक और तस्वीर आई है जिसमें महराज मलिक, उमर अब्दुल्ला के पिता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से मिलने पहुंचे हैं। तो पहले आपको फारूक अब्दुल्ला से महराज मलिक की मुलाकात की तस्वीर दिखाते हैं। और इस तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर महराज मलिक ने एक पोस्ट शेयर किया है। उस पोस्ट में क्या कहा है महराज मलिक ने, वो भी देख लीजिए। तो महराज मलिक ने फारूक अब्दुल्ला के साथ हुई मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की और जम्मू कश्मीर खासकर चिनाब घाटी के विकास के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने इसके लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। तो महराज मलिक ने फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की है और मुलाकात पे उन्होंने चिनाब घाटी के विकास पर बातचीत की है और सहयोग की मांग की है फारूक अब्दुल्ला से, क्योंकि घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस की सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी भी समर्थन कर चुकी है औपचारिक तौर पर कि उमर अब्दुल्ला की सरकार का वो समर्थन करते हैं। उमर अब्दुल्ला जल्द ही मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने वाले हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि महराज मलिक ने एक और सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो उमर अब्दुल्ला की सरकार में जिम्मेदारी चाहते हैं, अपने काम काज को लेकर और शक्तियां बढ़ाना चाहते हैं। क्या कहा है महराज मलिक ने वो आप देखिए। तो महराज मलिक ने एक स्वीट शॉप के बाहर अपनी एक तस्वीर शेयर की है, उसमें उनके साथ दो लोग और दिखाई दे रहे हैं। और उस तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने लिखा, अब मैं गठबंधन का हिस्सा हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसी शक्ति मिले कि जनता के मुद्दों का समाधान आसान हो जाए। महराज मलिक ने साफ तौर पर इस सोशल मीडिया पोस्ट में शक्ति हासिल करने की इच्छा जाहिर की है ताकि वो लोगों के काम आसानी से कर सकें। इससे पहले आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जब जम्मू कश्मीर पहुंचे थे डोडा में धन्यवाद रैली को संबोधित करने, तब उनकी ओर से भी उमर अब्दुल्ला से ये उम्मीद की गई कि वो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं महराज मलिक, उन्हें अपनी सरकार में जिम्मेदारी देंगे। हम उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार का आम आदमी पार्टी औपचारिक रूप से समर्थन करती है। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में हमारे भाई महराज मलिक को जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि वो न केवल डोडा बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए अपनी सेवाएं दे सके। इनके पास, इन्होंने इतनी समाज सेवा की है, इतना संघर्ष किया इन्होंने, वो संघर्ष सबके काम आना चाहिए, वो अनुभव सबके काम आना चाहिए। तो क्या वाकई आम आदमी पार्टी के डोडा सीट से विधायक महराज मलिक को उमर अब्दुल्ला की सरकार में कोई पद मिलने जा रहा है? क्या उन्हें किसी तरह का कोई मंत्रालय दिया जा सकता है? इसको लेकर फिलहाल तो अभी सस्पेंस है, कुछ बताया नहीं गया है किसी की ओर से। उम्मीद जरूर आम आदमी पार्टी कर रही है कि उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है उसमें महराज मलिक को शामिल किया जाएगा, उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। अब जिम्मेदारी मिलती है या नहीं मिलती ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा जब उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हो सकता है उसी वक्त के आसपास ये साफ हो जाए कि किसे किसे वो अपनी सरकार में शामिल कर रहे हैं, किसे किसे वो अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।